I thought I'll do one more video with somebody who's been associated with me for a while. और अभी उसने अपनी कैटेगरी में बॉडीबिल्डिंग में संदीप आजा अपनी कैटेगरी में बॉडीबिल्डिंग में अभी उसने गोल्ड मारा है. एंड यू मे नो हिम, संदीप वर्मा. संदीप के साथ और भी कुछ खास चीज़ें हैं. ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो विद जे एन के पुलिस, राइट संदीप? यस सर. अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताता लोगों को? सर बताना क्या, बस आज का इवेंट था, अच्छा हो गया, अपनी कैटेगरी में गोल्ड आ गया. अब फोकस है कि नेक्स्ट फाइनल में लेट्स सी क्या होता है. अभी ओवरऑल में भी गोल्ड आएगा, विल हैव टू बी पेशेंट, ही विल गेट अस अ गोल्ड देयर आल्सो. बट संदीप, अपने थोड़े जम्मू में होने की वजह से स्ट्रगल के बारे में कुछ पता? सर जम्मू में यही है कि हमें एसोसिएशन जहाँ तो कभी प्रॉपर डेट पे कॉम्पिटिशन नहीं होते, जहाँ तो होएंगे तो क्या पता एट द मोमेंट कैंसिल कर देंगे 10 दिन पहले कि नहीं हो रहा जी, सारी जो भी मेहनत है लाखों रुपये खर्च किया है वो सारा ख़त्म. एक बॉडी बिल्डर को फ़ायदा क्या जब मतलब कि कोई सपोर्ट ना करेगी, एट दैट टाइम आप बोल रहे हो कि कंपटीशन नहीं हो रहा. तो मैं ये बस ये चाहता हूँ, जैसे कि बॉडी पावर हो रहा है, इन्होंने मतलब कि एट द मोमेंट ही मतलब थोड़े दिनों में लड़के, ऐसे सीजन भी चल रहा था और लड़के साथ प्यार भी थे, और द मोमेंट ऑन द स्पॉट ही बोल दिया कि इतने 14 को कॉम्पिटिशन है और एट द मोमेंट कॉम्पिटिशन भी हो गया, कोई कैंसिलेशन नहीं कुछ नहीं. गुड इवेंट आई थिंक यू सीन ऑन माई फेसबुक, है ना? सो वॉट इज़ एक और चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हर पॉजिटिव में एक नेगेटिव होता है. पॉजिटिव इसमें यह है कि जम्मू इज़ नॉट अ डेवलप्ड प्लेस फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक चैम्पियनशिप्स, तो वहाँ पे इसका मतलब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है फॉर प्लेयर्स लाइक हिम टू सक्सीड. यू कैन सी फैंटास्टिक बॉडी और काफ़ी साल से कम्पीट भी कर रहा है, राइट? कितना टाइम हो गया? 2014 से कर रहा हूँ और 5 टाइम मिस्टर चंडीगढ़ गोल्ड मेडलिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू में होते नहीं थे तो चंडीगढ़ जाके खेलना पड़ता था. अब दिल्ली आके खेलना शुरू करो, बहुत सारे बड़े इवेंट्स हैं. आई एम आस्किंग हिम टू कम टू फिटेक्स इन मे एंड IIBB प्रो क्वालिफायर्स इन जुलाई, और उसके बाद होपफुली अगर सब ठीक रहा तो देन अक्टूबर में आई थिंक अमेच्योर ओलंपिया होगा मुंबई में. You would like him to play there also. जैसा खेलने को मिले तो कोई नहीं खेलना चाहता, हर एक मतलब भी सब प्लेयर एक जैसे नहीं होते. कोई होता है कि प्रोफेशनल जो डेली खेलना है पे ट्रस्ट करता है कि मेरे को खेलना ही खेलना है. अब हम इंडिया है मतलब कि 4 साल से लगातार जा रहे हैं, तो कुछ बने ना बने वो डिपेंड नहीं करता, बस ये है कि खेलना है कि हमें पता चलता है कि लेवल क्या है वहाँ पर इंडिया पे. इंडिया पे लेवल होगा वो सोच के चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और स्टेट लेवल का सोच के चलेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं. बस एब्सोल्युटली अगर जम्मू में ही खेलते रहेंगे तो फिर हमें जम्मू के प्लेयर्स ही मिलेंगे ना. वी वोंट नो व्हाट इट इज़ टू कम्पीट विद ईरान, जहाँ के सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जैसे स्कल्प्टेड बॉडीज़ हैं, ह्यूमंस लगते ही नहीं. इनफैक्ट जब भी ईरानियंस इंडिया आए हैं पिछले एक साल में, मैंने काफ़ी बार देखा है, उसमें इंडियंस को एक भी मेडल नहीं मिलता. मे बी दैट्स अ चैलेंज फॉर अस कि ईरानियंस के होते हुए भी हम एक मेडल अपने पास लाएं. हमारे इंडियन में, इंडिया में भी बड़ा मतलब कि स्कोप बहुत है, मतलब बहुत बहुत इतने अच्छे प्लेयर हैं जो ईरानियन से भी ऊपर हैं, बट स्पोर्ट की वजह से वो आगे नहीं जा पाते. जो मतलब ये कि जो नेशनल मतलब इंटरनेशनल मेडल ला सकते हैं बट टिकट की वजह से रह जाते हैं, वीज़ा नहीं मिल पाता कईयों को, मतलब उस वजह से रह जाते हैं. सो दैट्स ऑल्सो ट्रू, बट वी होप थिंग्स विल चेंज. मोहिंदर के इस एफर्ट से काफ़ी कुछ बदलेगा. इनफैक्ट आई एम श्योर थोड़ा जो फेडरेशन वाला गेम जम्मू में चलता है वो भी इससे थोड़ा कम होगा. एंड समथिंग गुड विल हैपन संदीप, एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ लक कि तेरा ओवरऑल में भी मेडल आए एंड वी डू समथिंग बिग. आई विल पोस्ट दिस वीडियो सून एंड होप पीपल नो यू बेटर. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट.